लॉकडाउन की मार झेल रहे पटरी व्यवसायियों के पुनर्स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत मिलने वाली 10,000 रुपये की आर्थिक मदद के संबंध में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश मंत्री इंजीनियर पी के मल्ल ने शास्त्री चौक पर कैंप लगाकर पटरी व्यवसायियों, ठेले व खोमचे में फल व सब्जी बेचने वाले दुकानदारों को इस योजना के बारे में बताया और कहा कि केंद्र सरकार के इस आर्थिक मदद से रोजगार को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इस योजना का लाभ उठाते हुए रोजगार के साथ ही परिवार के जीविकोपार्जन में काफी हद तक मदद मिल सकेगी। हमारी बच्ची को हॉस्पिटल में इलाज होता है, वहाँ का सारी जिलाधिकारी गोरखपुर से चला गया शासन। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हिंदू व्यापार वाहिनी के प्रदेश मंत्री इंजीनियर पी के मल्ल ने बताया, मेरे पटरी व्यवसायियों के लिए माननीय मोदी जी केंद्र सरकार की एक योजना लाए हैं जिसमें रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को, जिनकी कम लागत से अपना व्यवसाय चलाते हैं और डेली वो कमाते हैं, डेली अपना अर्निंग करके और घर का खर्चा चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सूदखोरों के चक्कर में पड़ के जितनी कमाई होती है उतना अपनी सब कमाई सूदखोर के सूद में दे देते हैं। इसी को देखते हुए और छोटे व्यापारी रेहड़ी पटरी वाले अपने जीवन को अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकें, तो ये 10,000 रुपये का जो स्कीम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो हर रेहड़ी पटरी व्यवसायियों तक पहुँचे और उसका लाभान्वित हो, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। इसी के लिए हम लोग इनको जागरूक कर रहे हैं कि इस योजना का लाभ उठाएं। अगर कोई समस्या आ रही है बैंक से या कहीं से तो उसको हम तक पहुंचाएं ताकि हम लोग उसका निराकरण करा सकें। सरकार जो है रेहड़ी और पटरी व्यवसाय के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन जो सड़क पे दुकान लगाते हैं ठेले, पुलिस वाले उसे मार्क लगाते हैं और कहीं उनको ठेला दुकान नहीं लगा रहे, क्या उसके लिए अस्थायी व्यवस्था की जा रही है? देखिए, अस्थायी व्यवस्था कई जगहों पे चिन्हित की गई है और अभी बन रहे हैं। और ये पटरी व्यवसाय ये ठेले पे जो चलते हैं वो सड़क पे किनारे टहल के भी बेचते हैं, गली मोहल्ले में करते हैं, तो वहाँ तो कोई समस्या नहीं है। हाँ, जहाँ पे ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक है तो वहाँ पे न कर